Hello everyone, I welcome you all in this new session from AgriLearner team, where we will discuss some of the most important topics from where IBPS has asked several questions in their various examinations in their different financial year. तो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की नई सीरीज। और साथ में दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से IBPS ने डिफरेंट क्वेश्चंस पुट अप किए थे डिफरेंट टॉपिक से। और दोस्तों, आप लोग ये भी खुद से एनालिसिस कीजिएगा कि आने वाले समय में, आने वाले एग्जामिनेशंस में IBPS सिमिलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस को पुट अप कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस पर्टिकुलर वीडियो के कम्प्लीट होने के बाद हम लोग इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको PDF फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि AgriLearner नाम से अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। हमसे किसी भी तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमने पूरी की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने एक नए टॉपिक से, एक नए क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट से पूछा गया था, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग गोट ब्रीड इज हैविंग हाईएस्ट लैक्टेशन पीरियड इन डेज, जो कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में, अभी लास्ट ईयर IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में पूछा गया था, जिसमें डिफरेंट वेरियस ब्रीड्स दी हुई थी गोट की। और साथ में उन्होंने ये पूछा था कि जो ब्रीड दी हुई हैं गोट की, उनमें से सबसे हाईएस्ट लैक्टेशन पीरियड किस गोट की ब्रीड का है। तो जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, जमुनापारी, बेताल, बारबरी, सिरोही एंड मारवाड़ी, तो इनमें से जो राइट एग्जैक्ट आंसर था वो जमुनापारी था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे जमुनापारी था। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस टेबल को, जिसमें से इंडियन गोट की लैक्टेशन के बारे में दिया हुआ है काफ़ी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ फोकस नहीं करूँगा लैक्टेशन लेंथ पे, क्योंकि यही पूछा था आज उन्होंने लैक्टेशन लेंथ पूछा है, कल वो लैक्टेशन यील्ड से पूछ सकते हैं, पीक यील्ड से पूछ सकते हैं, ड्राई पीरियड से पूछ सकते हैं, एवरेज डेली यील्ड केजी से पूछ सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर, कंपेयर करेंगे डिफरेंट ब्रीड्स के करेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग ब्रीड से, देखेंगे किसका हाइस्ट है, किसका लोएस्ट है, जो कि आप टेबल में साफ देख सकते हैं। क्वेश्चन लैक्टेशन लेंथ से पूछा गया था, लेकिन फिर भी हम डिफरेंट ब्रीड्स को देखेंगे और साथ में उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहला जो ब्रीड है वो जमुनापारी है, और उसका जो पहला करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिया हुआ है वो लैक्टेशन यील्ड है, ठीक है। लैक्टेशन यील्ड तो इस बार पूछा नहीं था, लेकिन पूछ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, जो कि 160 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बेताल से, वो कि कम है, ठीक है, जमुनापारी का कम है, बेताल का है 175, जो कि केजी में है, मैं लैक्टेशन यील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं पर जो बारबरी ब्रीड है उसका 95 है, सिरोही का 73 है, मालबरी का 66 है, और वहीं पर जखराना ब्रीड का 121 है। आप इस टेबल को मेमोराइज कर सकते हैं, यहीं पर से एक कंपेरेटिवली एक दिमाग में कंपेरिजन बन जाता है कि कौन सी ब्रीड का लैक्टेशन यील्ड सबसे ज़्यादा है। कल के आज उन्होंने लैक्टेशन लेंथ पूछ रखा है, कल वो लैक्टेशन यील्ड पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, टेबल से क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था वो लैक्टेशन लेंथ से था, जो कि आप अगर कंपेयर करते हो यहाँ पर डिफरेंट ब्रीड से, चाहे वो जमुनापारी हो, बेताल हो, बारबरी हो, सिरोही है, मालबरी हो, जखराना हो, तो डिफरेंट लैक्टेशन लेंथ अगर आप डेज में देखते हैं तो हाइस्ट जो निकल के आता है वो जमुनापारी का है, जो कि है 190, बेताल का 180, बारबरी का 152, सिरोही का 158, मालबरी का 172 और जखराना ब्रीड का 114। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो और यहाँ पर से आंसर निकल के आता है, जो कि जमुनापारी राइट आंसर था, ठीक है। वैसे ही एवरेज डेली यील्ड केजी में अगर आप देखते हो, इसको कंपेरिजन करते हो, तो मैक्सिमम जो निकल के आता है वो बेताल का है, ठीक है। वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, व्हाट एक्चुअली दे आर आस्किंग, उनकी नीड क्या है, उनकी डिमांड क्या है। तो सेम टेबल से डिफरेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जमुनापारी का 0.9 जो एवरेज डेली यील्ड है केजी में, वहीं पर बेताल का 1.25, बारबरी का 0.75, सिरोही का 0.70, मालाबरी का आपका 0.50, जखराना ब्रीड का आपका 0.988 केजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपेरिजन कर सकते हो कि किसका हाइस्ट है, किसका लोएस्ट है। वैसे ही अगर हम पीक यील्ड केजी में देखें तो जमुनापारी का 3.2 जो कि अवेलेबल है, बारबरी का जो कि अवेलेबल है 2.1,
सिरोई का नहीं अवेलेबल है, मारबरी का 0.696, ठीक है, तो जो कि पीक यील्ड केजी में दिया गया है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द हाईएस्ट और लोएस्ट ड्राई पीरियड, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं इससे, ठीक है, इन फ्यूचर। तो ड्राई पीरियड की अगर मैं बात करूँ, जमुनापारी का 115, बेताल का 125, बारबरी का 155, मालाबरी का आपका 145। तो आप यहाँ पर से कंपैरिजन कर सकते हैं कि लोएस्ट जो ड्राई पीरियड है, ठीक है, वो जमुनापारी का है, और आप इनमें जो अवेलेबल ऑप्शंस में देख सकते हैं, जो हाईएस्ट ड्राई पीरियड है जो कि अवेलेबल ब्रीड्स में से बारबरी का है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो लैक्टेशन लेंथ से तो क्वेश्चन आ गया है, लैक्टेशन यील्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, क्योंकि टेबल सेम रहेगी, ब्रीड सेम है, ठीक है। तो लैक्टेशन यील्ड क्या है, ये कुछ नहीं है, ये लैक्टेशन लेंथ के ड्यूरिंग में जितना उसका प्रोडक्शन हुआ है, जितना उसने यील्ड दिया है केजी में, ठीक है, जितने दिन उसने लैक्टेशन दूध दिया हुआ है, ठीक है ना, जितने दिन उसने दूध दिया हुआ है, जितने दिन उन्होंने मिल्क दिया हुआ है, उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं उस पूरे ड्यूरेशन में, उस पूरी लेंथ में जो कि उसकी लैक्टेशन लेंथ थी, वो मैक्सिमम निकल के आ रही है, अगर मैं टेबल को कंपेयर करूं वो बेतल में है, ठीक है। तो लैक्टेशन यील्ड वही है जो कि उसकी यील्ड आई थी लैक्टेशन लेंथ के ड्यूरेशन में, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने यहाँ पर पूरा चार्ट का कंपैरिजन किया, तो और हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, और आप भी कीजिएगा कि आने वाले टाइम पे कैसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल से, क्योंकि IBPS ने यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट निकल के आती है टेबल। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग कंपैरिजन करते रहेंगे आने वाले टाइम पे, डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे, वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको कल मिलते हैं इस सीरीज़ में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, agriguru.in वेबसाइट का लिंक और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। इसी सीरीज़ के साथ हम लोग आपको मिलते रहेंगे। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।